हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बना रही हूँ नारियल के लड्डू। देखिए, ये जितने खाने में स्वादिष्ट होते हैं उतने बनाने में भी बहुत इजी होते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा कोकोनट पाउडर लिया है, थोड़ा मैंने शुगर लिया है, थोड़ा मैंने मिल्क लिया है, थोड़ा मिल्क पाउडर लिया है, थोड़ा सा घी लिया है। अब मैं थोड़ा घी को गर्म होने के लिए रख दूंगी पैन में। ये देखिए, घी गरम हो रहा है। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा कोकोनट पाउडर। आप चाहें तो जो फ्रेश कोकोनट मिलता है उसका भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है उसका भी। बट मेरे पास ये था तो मैं इसके बना रही हूँ। अब इसको हम रोस्ट करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए इस तरीके से रोस्ट करना है इसको। ये देखिए, ये रोस्ट हो चुका है। ये हो जाता है 3-4 मिनट में रोस्ट हो जाता है। अब इसमें मैं थोड़ा ऐड करूँगी मिल्क, और इसको मैं अब मिल्क में थोड़ा पकाऊँगी। नारियल एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मेरे पास थोड़ी मलाई थी, अब थोड़ी मैंने मलाई भी डाल दी। आप चाहें तो फुल फैट क्रीम भी यूज कर सकते हैं मिल्क। देखिए, अब धीरे धीरे सूख जाएगा, ये नारियल मिल्क को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसका गीलापन थोड़ा कम हो जाएगा, सूख जाएगा, ये ड्राई हो जाता है। ये देखिए, ये ड्राई हो गया है। इसको थोड़ी देर मीडियम आंच में हमने पकाना है। अब इसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा शुगर। मैंने शुगर को भी ग्राइंड किया था, आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं शुगर को। अब मैं इसको भी मिक्स करूंगी। शुगर जब हम इसमें डालते हैं तो थोड़ा गीलापन आ जाता है, थोड़ा इसको सुखाना पड़ेगा, थोड़ी नमी आ जाती है इसमें। ये देखिए, शुगर डालते ही थोड़ा गीला हो जाता है ये। अब इसको हम अच्छे से थोड़ी देर पकाएंगे। फिर इसमें मैंने डाला है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मावा का टेस्ट आता है। हलवाई लोग यही डालते हैं, मार्केट में जो बन मिलते हैं लड्डू। देखिए, ये मिक्स हो गया है। अब इसको हम निकालेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने रख देंगे। गरम गरम में तो लड्डू बनेगा नहीं। जब ये ठंडा हो जाता है तो इसका लड्डू आराम से बन जाता है। ये देखिए, अब इसका मैं लड्डू बनाती हूँ। अब ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसमें नारियल, जो कोकोनट मेरा बचा हुआ था, उसकी बाइंडिंग करूँगी, तो इससे बहुत अच्छा लुक भी आता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। देखिए, मार्केट जैसा लग रहा है ना। अब मैं दूसरा लड्डू बनाऊँगी। दूसरा लड्डू भी बन चुका है। इसी तरीके आप तरीके से आप सारे लड्डू बना सकते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें काजू और किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है, इसमें नारियल का टेस्ट नहीं आएगा। फिर ये सब ऐड कर देंगे तो हम इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, सारे लड्डू तैयार हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।